नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। एआई का इस्तेमाल करके बनाई गई रामायण सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कई लोगों ने इसे तैयार करने वाले कलाकार की तारीफ की है और चित्रों को पुस्तक का रूप भी देने के लिए कहा है। अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए कई लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां शेयर कर रहे हैं। इसी बीच एक्स पर माधव कोहली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पूरी रामायण को दिखा दिया। उनकी रचना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों से उन्हें खूब सराहना मिली। कई लोगों ने उनसे रामायण के इस एआई वर्जन की एक पुस्तक जारी करने के लिए भी कहा। कोहली ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा संपूर्ण रामायण को 60 से कम पोस्ट में एआई के जरिए बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने एआई की मदद से न सिर्फ एक लाश की शिनाख्त की बल्कि आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। ये मामला उत्तरी दिल्ली का है। अखबारों में मृतकों की पहचान के लिए तस्वीर छपती है, इस मामले में भी ऐसा ही था। पुलिस ने इस उलझन को सुलझाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। इस बार पुलिस ने एआई की मदद से मृतक के चेहरे को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसी उसकी सामान्य तस्वीर नजर आती हो। पुलिस का ये तरीका कारगर भी निकला। दरअसल 10 जनवरी को दिल्ली पुलिस को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे एक युवक की बॉडी मिली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को पता चला कि हत्या गला दबाकर की गई है, लेकिन बॉडी के पास से ऐसा कोई भी निशान या पहचान पत्र नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस समझ चुकी थी कि कातिल ने बेहद शातिर तरीके से लाश को ठिकाने लगाने के लिए गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे का इलाका खोजा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या बॉडी के पहचान की थी, लेकिन चेहरा इस हालत में नहीं था कि उसकी फोटो देखकर कोई आसानी से उसे पहचान सके। इसके लिए उत्तरी दिल्ली पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। एआई की मदद से पुलिस ने लाश के चेहरे को कुछ इस तरीके से दिखाया कि जब उसकी आंखें खुली हों या वह ठीक हालत में होगा तो कैसा दिखता होगा। इस कवायद के बाद उस तस्वीर के पुलिस ने पोस्टर्स बनवाए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उसे पोस्टर को लगवा दिया। थानों पोस्टर्स को शेयर किया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया गया। पुलिस ने कुल 500 पोस्टर्स छपवाए थे। खास बात ये थी कि पुलिस ने एआई की मदद से ही लाश का बैकग्राउंड भी यमुना नदी से बदल दिया था। पुलिस की ये कोशिश रंग लाई। पुलिस ने बाहरी दिल्ली की छावला इलाकों में भी इन पोस्टर्स को लगवाया था। छावला थाने के बाहर लगे पोस्टर से पहचान के बाद दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आई। कॉलर ने दिल्ली पुलिस से बताया कि ये फोटो उनके बड़े भाई हितेंद्र की है। दिल्ली पुलिस ने कोतवाली थाने में कत्ल का केस पहले ही दर्ज कर लिया था। एक बार पहचान हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने हितेंद्र की प्रोफाइल की जांच की, उनके आसपास के लोगों से पूछताछ की ताकि जांच आगे बढ़ सके। पहचान हो जाने के बाद जब पुलिस ने केस की जांच को आगे बढ़ाया तो पुलिस को पता लगा कि तीन युवकों के साथ हितेंद्र का किसी बात पर झगड़ा हुआ था। और फिर पुलिस ने जब लोकेशन की जांच की और दूसरे सुराग जुटाए तो पता लगा कि उन तीन युवकों ने ही हितेंद्र की गला दबाकर हत्या की थी और फिर लाश को ठिकाने लगा दिया था। पुलिस को पता लगा कि सुराग छिपाने के मामले में एक महिला ने भी उनकी मदद की है, जिसके बाद पुलिस ने उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। गूगल कारों में ड्राइवर के स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय को कम करने के लिए एंड्रॉयड ऑटो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल करने जा रही है। ये फीचर इस साल के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है। इसमें ड्राइवर के ध्यान भटकने को कम करने पर विशेष जोर दिया गया है। इस फीचर में लंबे मैसेज या चैट को संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्षमता होगी। ये मैसेज को छोटा कर सुनाएगा और फिर प्रतिक्रिया भी सुझाएगा। कार चलाते समय आपसे व्हाट्सएप पर कोई पहुंचने का समय पूछता है तो ये फीचर गूगल मैप की मदद से आपके अनुमानित आगमन का समय भी बता देगा। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।